हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे रसायन विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री को देख रहे थे। तो इसमें हम लोग 10 चैप्टर ख़त्म कर चुके थे। 10वां चैप्टर ईंधन था। अब इसमें बात करने वाले हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक, याद रखिए, जितने भी चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं वो सभी जनरल साइंस के नाम की जो सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो याद रखिए, IV। ठीक है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाते हैं? निष्क्रिय तत्वों के नाम से। ठीक है, आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम, दूसरा तत्व कौन सा है? फर्मियम। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? मैरी क्यूरी ने। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। तत्व का मौलिक गुण क्या है? परमाणु संख्या। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? 8। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। ठीक, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है? अपूर्ण डी ऑर्बिटल। ठीक, प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य कौन होता है? एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन सा है? एक क्षार धातु। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? क्षारीय और अम्लीय। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों की आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडलीव ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीव। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मॉसली ने। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु भार। आवर्त सारणी के उदग स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7। ठीक है, आवर्त सारणी नियम के प्रवर्तक कौन है? मॉसले। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? डॉब नेर रेनर। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखना, न्यूलैंड ने। ठीक है, आगे देखते हैं। तथ्यों से संबंधित प्रमुख जानकारी। ठीक है, कुल ज्ञात तत्व 118 हैं। प्रकृति में पाए प्राप्त तत्व 98। कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व 20। धातु तत्वों की संख्या 91। अधातु तत्वों की संख्या 27। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम।
सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम, द्रव धातु तत्व पारा, द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी, विद्युत का सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट, सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। ठीक, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व तो हीलियम होगा, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त वाला तत्व क्लोरीन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन, सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग शून्य वर्ग, एक परमाणुविक तत्व अक्रिय गैस, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कैल्शियम। ठीक है, याद रखिए। सुपर हैवी एलिमेंट 170 अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित साइंटिफिक जर्नल फिजिकल रिव्यू लेटर्स ने 1 मई 2014 को नए सुपर हैवी एलिमेंट 170 के निर्माण की पुष्टि की है। सुपर हैवी एलिमेंट वे तथ्य होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 104 से अधिक होता है। ये एलिमेंट प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। इस संबंध में ऐतिहासिक प्रयोग GSI हेलमहोल्ट्ज सेंटर फॉर हैविलोन रिसर्च जर्मनी में किया जा रहा है। इस बहुराष्ट्रीय प्रोजेक्ट में भारत के दो वैज्ञानिक सुशांत लहरी और मुमिता मेती ने भाग लिया। बर्किलियम 249 से निर्मित एक लक्ष्य पर कैल्शियम 48 आयन टकराने से सुपर हैवी एलिमेंट के कुछ परमाणु का निर्माण हुआ है। ठीक, तथ्यों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? डोवे रेनर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में तथ्यों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में। आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य? शून्य समूह। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? वन ए में। ठीक है, बात करते हैं डमित्री योवानोविच मेंडलीव। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोवोलस्क स्थान में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीव अपनी माँ के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज को उन्होंने माँ को समर्पित करते हुए लिखा है कि उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गईं। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तावित तथ्यों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमात्र सिद्धांत साबित हुआ है। इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली है। ठीक है, याद रखिए इन्हें तृतीय आवर्त सारणी के जो तत्व हैं। ठीक है, ये तत्व वर्ग हैं। ठीक है, एट तत्व और ये तत्व। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, उनका तत्व देख लेना परमाणु। ठीक है,
कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनके परमाणु क्रमांक हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो हीलियम जैसे इसका परमाणु क्रमांक एक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक है, नहीं सॉरी हाइड्रोजन, ठीक है, फिर है हीलियम दो है इसका, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो है, फिर लिथियम है। ठीक है, इसी तरह देख लेना इन्हें, ठीक है, आराम से। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील ठोस तत्व लिथियम, सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील तरल तत्व सीजियम, सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील गैसीय तत्व फ्लोरीन, सर्वाधिक आयनीकरण क्षमता हीलियम में, रेडियोधर्मिता प्रकृति वाला तत्व तरल तत्व फैंसियम, आवर्त सारणी में रेडियो तत्वों की कुल संख्या 25, वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं 1H1। ठीक, पृथ्वी का सर्वाधिक दुर्लभ तत्व एस्टिलटीन, पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रचुर मात्रा में धातु एल्यूमिनियम, वह तत्व जिसमें सर्वाधिक चेष्टा होती है श्रृंखला बनाने की, तो याद रखना कार्बन। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम 238, विद्युत का न्यूनतम सुचालक लेड धातु सल्फर अधातु, अधातु जो दिखने में धातु सदृश होती है आयोडीन ग्रेफाइट, पदार्थ जो गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं आयोडीन कपूर नेप्थिलीन गंधक। ठीक, अक्रिय धातु प्लेटिनियम प्लेटिनम सोना, उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक वाली अधातु हीरा, अत्यधिक फैलाव क्षमता वाले तत्व बोरॉन, नाभिकीय संयंत्र में प्रसीतक D2O भारी जल, पानी में रखा जाने वाला तत्व पीला फास्फोरस, केरोसिन तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, किमतिम विस्फोटक यह डायनामाइट। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक वांट हॉप, टेंचर आयोडीन एल्कोहल में आयोडीन, कुछ बहुआक्तिक तत्व ऑक्सीजन सल्फर फास्फोरस। ठीक है, आगे देखते हैं। ताप पर पारा गैलियम और सीजियम धातु द्रव हैं और शेष धातु धातुएं ठोस। साधारण ताप पर अधातु में ब्रोमीन द्रव है तथा शेष अधातुएं ठोस या गैस। धातुओं में चांदी सबसे अच्छा सुचालक है और सीसा कुचालक है। कार्बन को छोड़कर सभी अधातु नरम होती हैं। हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे अधिक कठोर होता है। ठीक है, याद रख। तो चलिए, ये था हमारा 11वां चैप्टर। अब बात करेंगे हम लोग 12वें में कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है।